नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में। आज हम बात करेंगे वसुंधरा कृषि यंत्र द्वारा बनाया गया ये बहुत ही शानदार रीपर जिसका नाम है शॉर्ट क्रॉप रीपर। इस रीपर की सहायता से आप छोटी फसल बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से कटाई कर सकते हैं। छोटी फसलें माने तो चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, जो 2 फीट तक की हाइट की फसलें होती हैं, उन फसलों की आप कटाई काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये रीपर ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर है। एक ही मशीन को हम ट्रैक्टर के आगे एवं पीछे दोनों साइड अटैच कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर हम डबल गियर बॉक्स अटैचमेंट देते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि एक सिंगल मशीन को आप ट्रैक्टर के आगे और पीछे दोनों साइड चला सकते हो। वो परिस्थिति के अनुसार आपको चलाना होता है। जैसे जहाँ पे गीला खेत होता है वहाँ पे मशीन को पीछे चलाकर फसल की कटाई की जाती है, उससे बढ़िया अच्छा रिजल्ट आता है। जहाँ पे बढ़िया अच्छा खेत होता है, समतल खेत होता है, सूखा खेत होता है, उस स्थिति में आप इस मशीन को ट्रैक्टर के आगे चला सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आता है। बाकी इस मशीन के अंदर एक और गियर बॉक्स होता है जो कि रील को घुमाने के काम में आता है। डबल चेन अटैचमेंट होता है इसमें, इसमें मजबूती काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इसकी डबल बेल्ट होते हैं, बेल्ट के ऊपर भी आइडलर पुल्ली लगाते हैं, से क्या है बेल्ट ढीला होने की स्थिति में आप इसको कस सकते हैं। यहाँ पे भी एक आइडलर पुल्ली लगी हुई है, बेल्ट ढीला होने की स्थिति में आप इसको आइडलर पुल्ली की सहायता से कस सकते हैं। बाकी पट्टा आप देख सकते हैं, 3 लेयरिंग वाला पट्टा है ये, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। लगभग 22 से 24 इंच का पट्टा होता है ये। पट्टा सुरक्षित रहे, इसके अंदर में कोई कंकड़ पत्थर ना जा पाए, उसके लिए हम ये स्टोन कवर लगाते हैं, जिससे कि जो पत्थर वगैरह होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं। जाते भी हैं तो ये पट्टे की सहायता से वो बाहर आ जाते हैं, ना कि अंदर जा पाते हैं। बाकी मशीन के अंदर एक प्लेट लगाते हैं जिससे पट्टा सुरक्षित रहता है, पट्टा पूरा नीचे से कवर होता है। बाकी रील एडजस्टेबल होती है पूरी, यहाँ से आप रील को आगे और ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से रील को आगे पीछे और ऊपर नीचे किया जा सकता है, वो आपको परिस्थिति के अनुसार करना है।